आजकल आपने देखा होगा आपके घर में छोटे बच्चे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसी समय उनके फ़ोटो लेना शुरू हो जाता है। बच्चे के फ़ोन हाथ में दे देते हैं, धीरे धीरे बच्चा फ़ोन का आदी हो जाता है। उसकी आदतें ऐसी हो जाती हैं कि आप उससे फ़ोन छीनोगे वो रोने लगता है, आपको भी अच्छा लगता है कि बच्चा कितना, देखो कितना हमारा तेज है, लॉक खोल देता है, कुछ निकाल लेता है, कुछ वीडियो देखता रहता है। आप भी क्या करते हो कि बच्चा रोएगा नहीं, कुछ चला देते हो यूट्यूब वगैरह के ऊपर, फ़ोन में कुछ चला करके, वीडियो चला करके उसके सामने रख देते हो, उसके हाथ में दे देते हो, आवाज़ कर देते हो, म्यूजिक चला देते हो, वो उसके साथ खेलता रहता है, देखता रहता है। क्या असर होगा इसका उस बच्चे के जीवन के ऊपर, क्या प्रभाव होगा? धीरे धीरे वो उस फोन का आदी होने लगेगा, क्योंकि जब बच्चा ग्रोथ का टाइम होता है 2 वर्ष के बाद, जब उसको ये चीजें समझ आने लगती हैं, फिर उनकी कैचिंग पावर, मेमोरी पावर, बौद्धिक क्षमता बहुत स्पीड से विकास होने लगता है। और इतना स्पीड से विकास होता है कि जब तक आपकी समझ में आए, बच्चा उन चीजों को कैच कर चुका होता है, कि वो चीजें पकड़ ली, जो उस समय पर उन्होंने वो चीजें पकड़ ली वो लाइफ टाइम नहीं छूटती, क्योंकि वो चीजें उसकी सेव मेमोरी में चली जाती हैं, सब कॉन्शियसनेस माइंड में जो चली जाती हैं और इतने गहराई तक घुस जाती हैं कि वो बच्चा जितना बड़ा होता है वो चीज़ें उसके साथ साथ और गहरी होती जाती हैं। वो उन चीज़ों का इतना आदि हो जाता है कि इतना आदि हो जाता है जिस प्रकार से एक नशेड़ी नशे का आदि हो जाता है। दिमाग उनको वही चीज़ें चाहिए, अगर कोई उनकी वो चीज़ें छुड़ाने की कोशिश करता है तो दिमाग बहुत दर्द महसूस करता है, छटपटाने लगता है, वो तड़पने लगता है। अगर उस समय के ऊपर बच्चा नहीं आप संभाल पाए उसको, तो उसकी हालत देखो क्या होगी। जितना वो बड़ा होगा उसकी डिमांड बढ़ती जाएंगी, 1 मिनट भी फोन के बिना नहीं रहेगा, उसको चाहिए कि फोन, आप घर आओगे आपको फोन उठा लेगा, घर में जो फोन रखा उसको उठा लेगा, आप उसके मनोरंजन के लिए फोन चलाओ, हाथ में दे दो ताकि रोए नहीं, आपका भी पीछा छुटा रहे। बच्चे जो ग्राउंड लेवल के ऊपर खेलते थे, आउटडोर जो गेम खेलते थे, जैसे कबड्डी, रेस, खेल कूद, रेत में खेलना, टीम बना करके खेलना, बहुत से ऐसे गेम जो आज लुप्त हो गए हैं, कि भाग दौड़ खेलना और बहुत ऐसे जो आपने खेले होंगे वो आपको आसपास नज़र नहीं आते होंगे। क्यों नज़र नहीं आते? जो हमारे जैसे लोग हैं उन्होंने बच्चों के हाथ में केवल फोन दे दिया कि लो इसका इस्तेमाल करो, उनको हम ले करके ग्राउंड में नहीं गए, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, खेलने नहीं देते कि खेलना है खेलना है, ले बेटा फोन ले इसके अंदर खेल लो, कि नहीं बाहर जाना है मुझे, कि नहीं बेटा बाहर नहीं जाना, जो गेम खेलना है इसी में डाउनलोड करो और खेल लो। क्या उसका विकास हो पाएगा? उसका शरीर मजबूत हो पाएगा? उसका मन मजबूत हो पाएगा? उसका दिमाग का जो विकास है वो हो पाएगा? क्या उसकी आंखें सही सलामत रह पाएंगी? कितने दिन तक वो बच्चा झेल पाएगा? कैसे होगा ये काम? कभी आपने बैठ करके सोचा है कि आपका शरीर इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि आप खेलते थे, कबड्डी खेलते थे और गेम करते थे, भागते दौड़ते रहते थे, मेहनत होती थी, शरीर में पसीना आता था, खाना पीना अच्छा होता था, भूख लगती थी और हर रोज़ एक्सरसाइज होती थी, इसलिए आपके शरीर काफ़ी मजबूत है।
आप अपने बच्चों के शरीर को छू करके देखिए कितने कोमल और मुलायम है, क्या वो झेल पाएंगे? एक झटका भी नहीं झेल पाएंगे। क्या आप अपने बच्चों के शत्रु नहीं बन गए? वो अगर आप उससे फोन छीनोगे वो डिप्रेशन में चला जाएगा। जब वो डिप्रेशन में जाएगा, आजकल टीचरों का भी क्या हाल है कि ये बस चार लाइनें पढ़ा दी, पांचवी लाइन शुरू की तो बच्चा बोलता नहीं मैम मुझ मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं झेल पाऊंगा, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मेरे से और बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जवाब सवाल आप सोचो कि जब बच्चा जब सीखने का टाइम है तब उसकी ये हालत है कि बच्चे के ऊपर लोड नहीं डाल सकते हम, क्या बस पढ़ाई मात्र से? सोचो सोचो कैसा टाइम आ गया, कैसा खेल चल रहा है इस आने वाली जनरेशन के साथ, हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ। उनका जीवन केवल सीमित एक फोन के डब्बे में घुसा करके रख दिया। उनका बचपन, बच्चे का जो जोश का टाइम था, खेलने का टाइम था, विकास का टाइम था, एक डब्बे में घुसा दिया। आजकल न्यूज पता है क्या चल रही है, 15 साल के बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दी। ये कैसी न्यूज आ रही है? अपनी माँ को कितना नजदीक होगी वो माँ, कसूर क्या था? बस फोन छीन लिया, गेम नहीं खेलने दिया। कितना गुस्सा होगा उसमें, वो क्या कर सकते हैं? आप सोचो कि जब एक फोन छीनने से जो अपनी माँ को जान से मार सकते हैं, उनके अंदर क्या इंसानियत है, क्या उनको सामाजिक शिक्षा है, क्या देश को वो चलाएंगे, क्या देश का भविष्य है, कैसे देश को संभालेंगे, कैसे परिवार को संभालेंगे, कल शादी होगी कैसे परिवार को बसाएंगे, और उनके बच्चे पैदा हो भी गए तो कैसे बच्चे पैदा होंगे? क्या यही हमारी युवा पीढ़ी है? क्या यही हमारी नई जनरेशन है? हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? उनके लिए हम अपने हाथों से गड्ढा खोद रहे हैं और बोल रहे हैं बेटा कूद जा इसके अंदर। अगर वो कहता नहीं मैं नहीं कूदूंगा कि नहीं बेटा कूद जा इसके अंदर, फिर मना करता तो जबरदस्ती हम उसको धक्का दे देते हैं। ये हाल है, आप समझ रहे होंगे कि हम कैसे धक्का देते हैं। आप अपना आते ही फोन उसके हाथ में, ले बेटा देख खेल इससे देख, अरे मेरे बेटे ने फोन खोल दिया, अरे आज तो लॉक खोल दिया इसने, ये तो फोन में ये निकाल लेता है, ऐसा करता है। ये 3 वर्ष के बच्चों की हालत है, 2 वर्ष के बच्चों की हालत है। जिनको बोलना नहीं आता उनको फोन चलाना जरूर आता है। कैसे सीखे वो, कहाँ से सीखे? बाहर से तो सीख करके नहीं आए, क्योंकि वो तो अभी से अच्छी तरह से नहीं चल सकते। ये हमारी जो शिक्षा है, हम जो उनको बिना टोके हुए ये खेल खेल रहे हैं, उनको बिना रोके हुए अपना जो जहर है, विष है, उसके अंदर डाल रहे हैं, क्या ये परवरिश है? क्या ऐसी परवरिश दोगे आप अपने बच्चों को? जब ऐसी परवरिश होगी तो वो समाज के लिए क्या करेंगे, वो धर्म के लिए क्या करेंगे, वो क्या करेंगे इन लोगों के लिए, कैसे अफसर बनेंगे वो? आगे आने वाला टाइम ऐसा होगा, आज ही बेरोजगारी इतनी हो गई है तो कैसे उनको रोजगार मिलेगा, और फिर वो क्या करेंगे? ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, आपके लिए भी। अनाथ आश्रमों में भीड़ बढ़ जाएगी, क्राइम बढ़ेगा, जीवन लोगों का खतरनाक होगा। बिना संस्कारों के इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे, नदियां अपनी मर्यादाएं छोड़ दें, सूर्य अपनी मर्यादा छोड़ दे, क्या होगा? सूर्य सबको जला देगा, नदियां और समुद्र सारे प्रकृति को बहा देगी, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर दे, क्या होगा? इस प्रकार से जब आप सोचोगे, अपने बच्चों को संस्कार दोगे, अपने बच्चों को शिक्षा दोगे, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाओगे, अपने बच्चों को सिखाओगे कैसे चलना है, क्या करना है, हमें उनकी अच्छे से परवरिश करनी है, उनको समझना है, उनका मित्र बनके,
प्यार से, शत्रुता से नहीं, वैर विरोध से नहीं, जब आप प्यार से उनको हैंडल करोगे, प्यार से संभालोगे, प्यार से समझाओगे, वो समझने लगेंगे। और टाइम फिक्स कर दिया जाए कि 5 मिनट के लिए, 5 साल तक तो बच्चे को फोन के हाथ ही नहीं लगाने देना चाहिए, कि फोन के हाथ ही नहीं लगाने देना चाहिए। बच्चे को ये ही नहीं पता होना चाहिए 5 वर्ष तक तो कि फोन है भी कोई वस्तु नहीं है, फोन नाम की कोई चीज है या नहीं है, अगर है तो मैं नहीं छू सकता। उसके बाद भी कोशिश करनी चाहिए कि जब तक बिना फोन के काम चल जाए उसका काम चलाना चाहिए। ये बहुत जरूरी हो गया है आगे आने वाले टाइम में। अगर ये नहीं किया गया तो जो पीढ़ी होगी बहुत खतरनाक जनरेशन होगी, जो अपनी माँ को मार सकते हैं, अपने पिता को मार सकते हैं, अपने भाई बहनों को मार सकते हैं, क्या वो समाज का कल्याण करेंगे? कैसे होगा समाज का कल्याण? चारों तरफ से इतना डिप्रेशन होगा, वो आपके साथ नहीं रह पाएंगे। आप समझते हो किस लिए बच्चे पैदा? ताकि इनको संस्कार दिए जाएं, सिखाया जाए, हम इनको आज संभालें कल ये हमें संभालेंगे। ये जब अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे, अपने आप को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो ये आपको कैसे सेवा करेंगे, कैसे आपकी मदद कर पाएंगे उस उम्र के उस पड़ाव में, जिस आस के लिए, जिस भरोसे के लिए, जिस कारण से ये पैदा किए, अगर उसी समय के लिए ये साथ नहीं देंगे आप लोगों का और आपको धक्के मार करके बाहर निकाल देंगे। मैं एक देख रहा था गली के अंदर, बहुत बुजुर्ग, उनके दादा, उनके पिता, उनके साथ बहुत बुरी तरह से मारामारी की जा रही थी, खून ऐसे गिर रहा था। सोचो क्या संस्कार होंगे, कैसे खतरनाक ये पीढ़ी चल रही है, जिनको परवाह ही नहीं अपने माता पिता की, दादा दादी की, परिवार की, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ हाथ उठा रहे हो, कहाँ हथियार उठा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी रक्षा में जो हाथ उठने चाहिए उनको मारने के लिए हाथ उठ रहे हैं। क्या ये होना चाहिए समाज में? और अगर समाज में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी तो आप कहाँ जाओगे, कैसे जियोगे, कैसे रहोगे, कैसे समाज का निर्माण होगा? क्या हमारे पूर्वजों की यही रीत है? क्या हमने यही सीखा हमारे ऋषि मुनियों से? क्या हमारे आर्यों से यही सीखा है हमने? क्या हमारे बुजुर्गों ने यही शिक्षा दी है? हमें अपने बुजुर्गों की शिक्षा को देखते हुए उस मार्ग में हमें आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को संभाल करके रखना है और उन्हें सही दिशा देनी है, सही शिक्षा देनी है। और इन मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक गेम, इनसे उनके बचपन को न छीन करके आउटडोर गेम में ले जा करके और उनके साथ खेलना चाहिए और बच्चों के साथ हमें तालमेल बनाना चाहिए।